Good afternoon student, welcome to our class. Today you will learn how to draw eyes, nose and lips. पिछली क्लास में मैंने आपको फेस ड्राइंग करना बताया था. अब फेस के बाद उसके अंदर की जो आइकन्स होते हैं, सारे पार्ट्स होते हैं, उसको जैसे कि आईज, नोज, लिप्स, आज मैं आपको स्टडीज करके दिखाता हूँ कि कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे सेट्स करते हैं. तो लाइट एंड शेड को भी ध्यान रखना आपको कि फेस में आईज नोज कि कितनी इंपॉर्टेंट है और उसके साथ उसको कैसे ड्रॉ करते हैं. तो लेट स्टार्ट. फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन वन एंड टू, जैसे कि अब इसी के अंदर आपको ओवल शेप देना है. पहले तो आप एचबी पेंसिल से ड्राइंग करोगे. बेसिकली ये एक आई की फीचर हो गई. अब इसमें आप लोग बेसिकली क्या करते हो स्टूडेंट, कि आप आई वॉल जो बनाते हो ना, फुल सर्कल बना देते हो. नहीं, फुल सर्कल नहीं होता, होता ठीक है, बट जो आई हमें जब भी दिखता है, जब इनर पार्ट, तो यहाँ पे आपको सर्कल दिखेगा, तो यहाँ पे आपका ओवरलैपिंग हो जाएगी. एंड अगर सेंटर में बनाते हो तो यू शेप दिखेगा ऐसे, लाइक दिस. हाँ, देन अब भी हो गई इसकी थ्रेडिंग. बेसिकली सारे ह्यूमंस के अपने अलग अलग इसकी ड्राइंग के वो होते हैं, पैटर्न होते हैं इसके थ्रेडिंग के एंड आईज के. सबके डिफरेंट आईज होते हैं, तो आप किसी भी आईज को प्रैक्टिस करो, बट इसकी जो लाइन एरिया है, इन सब चीज़ों का कंपोजिशन, वो मैं आपको ड्रॉ करके एंड सेटिंग बताता हूँ. रेफरेंस के लिए होगी ड्राइंग. अब इसमें आते हैं थ्रेडिंग. सेम आईज हम सेटिंग कैसे करते हैं, ये आपकी ड्राइंग एंड ये. पहले आपको यूज़ करना है आप एचबी पेंसिल. तो एचबी पेंसिल से आपने ड्राइंग किया, देन इसका सेंटर पॉइंट आप एक सर्कल ड्रॉ करोगे. देन इसमें आप लाइटिंग रिफ्लेक्शन आपको चूज़ करना हो कि आई जो हो उसकी रिफ्लेक्शन किस साइड से, आपकी आई में एक रिफ्लेक्शन पड़ती है, तो रिफ्लेक्शन आपको चूज़ करना होगा. किसी भी एरिया में पड़ सकता है वो, तो रिफ्लेक्शन मैं यहाँ से दे रहा हूँ. देन अब आते हैं इसमें टू बी पेंसिल यूज़ करोगे आप. सेंटर पार्ट को ब्लैक, अभी 2B पेंसिल से, देन इसके बाद और डार्क की नीड होगी तो 4B पेंसिल एंड 6B पेंसिल यूज करोगे. अभी भी चिल्ड्रेन ये फुल सर्कल नहीं है, ठीक है, बहुत ही लाइट पेंसिल यूज करोगे सर्कल में. Like this. आपको इस तरीके से स्ट्रोक्स देना है, नमली हल्के से इसको ब्लर भी करना होगा, लाइटिंग पार्ट को कम करना है. एंड ये आपके रिफ्लेक्शन के लिए हो गए ये पार्ट. देन अब आते हैं बेसिकली आईड बहुत ही सॉफ्ट होती है, तो आपको सॉफ्ट पेंसिल के अकॉर्डिंग चलना होगा पहले लेके. एचबी पेंसिल से स्टार्ट करेंगे एंड 4B 6B पर आप आई बहुत ही ब्लैक होगा अपर लाइन, और ये लाइन बहुत ही सॉफ्ट होगा इसका, ठीक है, तो आप यहाँ पे सॉफ्टनेस दिखाओगे. अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे होगा. तो पेंसिल आप इतनी लाइट यहाँ से यूज होल्ड करोगे एंड बहुत ही सॉफ्ट हैंड से इसको आप ऐसे सेटिंग प्रोसेस में आओगे.
बेसिकली आपको प्रैक्टिस से ही वो सारी चीज़ें आपको आएंगी। देखो आर्ट में आपको बिल्कुल किसी भी चीज़ का एडिशन नहीं होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, आपको बिल्कुल फ्री माइंड से आप वर्क करो और इन्जॉय के साथ आप वर्क करोगे ना तो बेसिकली आर्ट आपका बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगा। तो इन्जॉय आपको करना है आर्ट में, हैप्पीनेस फिर आएगी आपके अंदर। तो ऐसे आप बिल्कुल फ्री होके अच्छे से स्मर्जिंग करो, ड्राइंग करो, आप सब की ड्राइंग बहुत अच्छी है, आप इन्जॉय के साथ इसको आर्ट सब्जेक्ट को लो। अब आप पेंसिल चेंज करोगे, डार्क पेंसिल यूज़ करोगे 6B, तो आई की अपर पार्ट जो होगा ना ये है बेसिकली डार्क होता है, तो अभी आपको यहाँ पे डार्क करना है बट स्टेप बाय स्टेप। तो अभी आप 4B पेंसिल एंड 6B पेंसिल को यूज़ कर रहे हैं। आईब्रोज पर तो आईब्रोज को भी आप स्ट्रोक्स में दोगे यूं लाइक दिस। इसमें भी लाइट शेड होगा बट ये ब्लैक होगा, तो आप 2B पेंसिल से स्टार्ट करोगे, जो पार्ट बहुत ही लाइट होगा। पिछली क्लास में जैसे मैंने आपको फेस का पूरा इंट्रोडक्शन दिया था, तो फेस को बस एक बेसिकली आपको उसका आइकन कैसे बनाते हैं वो मैंने उसमें बहुत ज़्यादा आईज एंड नोज पे डिटेल्ड नहीं दिया था, इसलिए आपको नेक्स्ट स्टेप आपको डिटेल्ड में आईज नोज की प्रैक्टिस आपको करनी है। अब आते हैं आईलेसेस पे। तो आईलेसेस के लिए आप पहले प्रैक्टिस करोगे आई बनाना, क्योंकि ये सब प्रैक्टिस से ही आपकी होगी। तो फोकस आप करोगे आई पे एंड आई के सेटिंग्स पे। यहां पे स्ट्रोक्स से आओगे, तो इस तरीके से आई कंप्लीट हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप नोज पे। इधर एक प्लास्टिक आया लग रहा है नोज के लिए। फर्स्ट ये शेप लाइक जब आपने सर्कल ड्रॉ किया तो सर्कल के ही रेफरेंस से आप एक नोज रेडी कर सकते हो, तो आप ये हो गया। देन एक सेंटर लाइन लोगे इसके लाइक दिस, तो इस तरीके से आपका एक नोज जाके बनके रेडी हो जाता है। अब इसको क्रॉस शेप, तो ये नोज की फीचर होगी। देन अब आते हैं इसको सेडिंग कैसे करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। ये आपको मुझे मैंने सर्कल शेप दिया है ना, ये बोन होती है, जबकि नोज को आप इस पर जब टच करोगे तब देखोगे ये बोन होती है, इसलिए सर्कल शेप में उसको ड्रॉ करके ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और होता भी है सर्कल शेप में ये। तब आते हैं सेडिंग पर। पहले आप HB पेंसिल यूज करोगे एंड बोथ साइड, इसमें भी लाइट सेट का इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेंटर पार्ट में भी बोन होती है तो यहाँ पे एक हाईलाइट होती है, तो हाईलाइट के लिए आप लाइट इसको रखोगे एंड हल्का सा स्मर्ज करके चलोगे, स्प्रेड करते हुए इसको हल्का सा लाते हुए डार्क टू लाइट, इसको में आप जब सेट करोगे ना तो 3D इफेक्ट आता है आपका। चलिए सारी चीज़ें प्रैक्टिस से होंगी, बेसिकली आपको मैं आपको एक ड्रॉ करके सेटिंग दे रहा हूँ कि आप इसे आप सेडिंग प्रोसेस ही को बिल्कुल आउटर सर्कल को हल्का सा डार्क करोगे आप, बहुत ही सॉफ्ट पार्ट हो गए भी, तो आप वन साइड लाइट वन साइड डार्क दोगे एंड ये पार्ट को हल्का सा ब्लैक करोगे। इसकी भी अलग अलग शेप होते हैं सबके, तो ये
जैसे ये मैंने सर्कल पार्ट दिया, किसी के वी शेप के होते हैं, ठीक है, तो आप अकॉर्डिंग टू ह्यूमन कि किसके किस शेप में होते हैं, अब आते हैं लिप्स, ये बेसिकली फाइनल हो गया, आते हैं लिप्स की ड्राइंग पे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं लिप्स के लिए, यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन आप लोगे, इसको मैं थोड़ा सा साइड लिप्स बताता हूँ, हॉरिजेंटल लाइन लोगे, इसको प्लस का एक शेप दोगे एंड वी शेप, ठीक है, ये फ्रंट ही बता रहा हूँ, माइनस साइड बता रहा हूँ आपको, यू देन एक लाइन यहाँ ड्रॉ किया, यहाँ भी एक स्मॉल ओवल और दिस साइड ओवल, ठीक है, देन सबकी लिप्स की भी ड्राइंग अलग होती है क्योंकि ये किसी का अपर बोल्ड होता है तो लोअर बोल्ड होता है अकॉर्डिंग टू ह्यूमन। ये होगी आपकी ड्राइंग, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोसेस में आपको यहाँ सेटिंग में करके दिखा रहा हूँ, अब आते हैं सेटिंग प्रोसेस में, इसमें भी लाइट आपको यहाँ पे हाईलाइट होगी, इस वाले पार्ट पे हाईलाइट होगी, तो एचबी पेंसिल से पहले कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे हम, क्योंकि डार्क पोर्शन इस साइड से है और इसको भी हम बहुत ही लाइट पेंसिल से यूज करेंगे एचबी से। इसमें बेसिकली लाइंस भी आपको दिखानी है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइंस कैसे होती, क्योंकि लिप्स पे लाइन होती है ना, वन साइड डार्क भी करना है, जी आपको लाइंस देखो, जो मैं लाइंस की बात कर रहा हूँ तो आपको लाइंस दिखाना है स्ट्रोक्स में, तो इस तरीके से आपको लाइंस, क्योंकि लिप्स में लाइंस भी होते हैं ना, यहाँ पे डार्क पोर्शन होते हैं ना लिप्स के इनर पार्ट पे, तो यहाँ पे आप डार्क आपको बढ़ाना है, हल्का सा ऊपर पे हल्का सा शेडिंग्स देनी है क्योंकि तो ब्लर करना है चीजों को हाईलाइट करने के लिए आपको। ये आपकी कंप्लीट हो गई, एंड यहाँ पे फाइनल टच के लिए हल्का सा डार्क करते हैं, एंड हो गई आपकी ये। आपकी ड्राइंग, इसकी ड्राइंग नोज एंड लिप,